वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं वैशाली और मैं आपको सिंगापुर के लाइफस्टाइल, यहां के कल्चर और यहां के टूरिस्ट स्पॉट दिखाते रहती हूं। तो आज हम आए थे गार्डन बाय द वे, जहाँ यहाँ पर क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डॉग ऐसे दो अट्रैक्शन है, सबसे मेन अट्रैक्शन। तो हम आए थे क्लाउड फॉरेस्ट और हमें आने में देर हो गई थी, इसलिए पहले हम अंदर जाकर घूम कर आए हैं और उसके बाद मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ। तो आज हम क्लाउड फॉरेस्ट देखते हैं और उसके बाद हम घूमने वाले हैं। यहाँ पर मीड ऑटम फेस्टिवल भी शुरू हो गया है, तो वहाँ पर भी घूमने वाले हैं। गार्डन्स बाय द वे एक मेन अट्रैक्शन है सिंगापुर में। ये है गार्डन बाय द वे का मैप पूरा। तो यहाँ पर है फ्लावर डोम, उसके बाद क्लाउड फॉरेस्ट और ये है सारा सुपर ट्री ग्रोव। और यहाँ से चलकर ये है फ्लोरल फैंटेसी, अभी हम यहाँ पर है। तो ये पूरा घूमना पड़ता है। मेन अट्रैक्शन तो ये तीन है, 1, 2, 3। और अगर आपको फूल अच्छे लगते हैं तो ये फ्लोरल फैंटेसी है। इन तीनों के लिए टिकट्स है, यानी फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लोरल फैंटेसी के लिए टिकट है। बाकी के सब कुछ फ्री है, यानी सारा सब कुछ घूम कर देख सकते हैं। ये है सारे अट्रैक्शन, बहुत कुछ फ्री भी है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको टिकट लेकर ही यहाँ पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी मीड ऑटम फेस्टिवल चल रहा है। मीड ऑटम फेस्टिवल के लिए ये लाइट डेकोरेशन लगाए हैं। वैसे तो इस साल बहुत कम है, हर साल बहुत अच्छे से डेकोरेट करते थे, लेकिन इस साल थोड़ा कम है। यहाँ पर बहुत सारी फ्रेश एयर है और एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है वॉटरफॉल के नीचे, बहुत अच्छा है। सिंगापुर में अभी स्कूल हॉलीडे चल रहे हैं, ये पूरा वीक हॉलीडेज रहेंगे। और बच्चों को भी कहीं बाहर जाना था, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से बच्चों को घर से कहीं भी बाहर नहीं निकाला था, इसलिए घर बैठे बैठे वो भी थक गए हैं। तो ये पूरा वीक हम बाहर घूमने वाले हैं और आज हम आए हैं गार्डन बाय द वे और यहाँ पर हम जा रहे हैं अभी क्लाउड फॉरेस्ट। गार्डन्स बाय द वे का हमने पास लिया था, जिसमें हम फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट में कितनी भी बार आ जा सकते हैं। तो आज हम घूमने वाले हैं क्लाउड फॉरेस्ट। ये सारे फ्लावर्स रियल फ्लावर्स है। दिख रहा है कुछ? या लुक, ओ इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है सारा। प्लस फ्लाइट है, दिस इज द पिक्चर, पिक्चर कार्निवोरस पिक्चर, दीज आर कार्निवोरस प्लांट। ओके, डोंट वार्निंग, अदरवाइज यू विल बी कट एंड दे आर रियल। अभी ईशान लेगो में फ्लाई बनाएगा ना। हाँ। ईशान को लेगो बहुत पसंद है। हाँ। पागल है ये लेगो के लिए। वो बड़ा फ्लावर, सबसे बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लावर है वो, जो मलेशिया में मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू क्लाउड वॉक, ये सबसे एक्साइटिंग वाला पार्ट है। वो
और ये यहाँ से वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर सारे प्लांट्स है। सारे वर्ल्ड से कलेक्ट किए हुए प्लांट्स है। सबसे रियर प्लांट भी यहाँ पर है। ये कौन सा है पता नहीं। Yes, fog. See stain. Yeah. Oh, I can see the stain coming out of the boat. Ship. ये सारा सी है, सी वाटर है ये सारा। और ये शिप है सारे इसमें। सबसे बड़ी शिप दिखाई दे रही है वहां पर, एक बहुत बड़ी है भाई। सनलाइट एंड मिस्ट, इसके लिए हमें दिन में आना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ पर फ्लोरल फैंटेसी है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल हैं जो बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किए हैं। और ये यहाँ पर ऑटो टिकट काउंटर है जहाँ से हम टिकट ले सकते हैं। फ्लोरल फैंटेसी बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फूल हैं।
यहाँ पर ये फ्लोरल फैंटेसी, क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लावर डोम और स्काई सुपर ट्री ग्रोव, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग अट्रैक्शन है। हम जा रहे हैं अभी ट्रेन स्टेशन के लिए। तो ये था फ्लावर, ये था क्लाउड फॉरेस्ट और उसके बाद तो लाइट्स लगाए हैं मिड ऑटम फेस्टिवल के लिए। इस साल वैसे कम लाइट्स है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है और टूरिस्ट भी नहीं है ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा कुछ डेकोरेट तो नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, हम सब थक गए हैं। हाँ नहीं थके, थक गए, घूमना है और भी। हाँ नहीं नहीं घूमना, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।